इस बार अगहन अमावस्या या मार्गशीर्ष अमावस्या का पावन पर्व 30 नवंबर और 1 दिसंबर दोनों दिन ही मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पितर मृत्यु लोक यानी धरती पर आते हैं, इस वजह से लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करते हैं। इससे पितृदोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि अगहन अमावस्या के दिन किसकी पूजा करें, स्नान दान का मुहूर्त क्या है, साथ ही पूजन विधि क्या होगी। 30 नवंबर को सुबह 10:29 से अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी, जो कि 1 दिसंबर 2024 की सुबह 11:50 पर समाप्ति है। स्नान दान मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक 1 दिसंबर के दिन स्नान दान का मुहूर्त है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 30 नवंबर सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक है। तिथि अनुसार पूजन 30 नवंबर को की जाएगी, तो वहीं स्नान दान 1 दिसंबर को करना शुभ रहेगा। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। इस दिन गौ पूजा और तुलसी पूजा भी करने से पुण्य फल की प्राप्ति में होती है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो मंदिर की साफ सफाई करें, गणेश जी को प्रणाम करें, विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें, आप प्रभु को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें, मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें, पूरी श्रद्धा के साथ विष्णु जी की आरती करें, तुलसी दल सहित उनको भोग अर्पित करें, अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गाय, कौए और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन के सभी कष्ट दूर भी होते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी पूजा भी संध्या काल में जरूर करें। तुलसी को जल अर्पित कर उनके साथ परिक्रमा करने के पश्चात उनके आगे दीपक जलाएं। अमावस्या पर पितरों के निमित्त गोदान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं या आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो आप अमावस्या के दिन गरुण पुराण का पाठ जरूर करें। गरुण पुराण का पाठ करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी और वो भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त होंगे। अगहन अमावस्या के अवसर पर आप अपने पितरों के लिए दीपदान भी करें। ये दीपदान शाम को जब अंधेरा होने लगे उससे ठीक पहले करें। अमावस्या को सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। उसके बाद मिट्टी का एक दिया लेकर उसमें सरसों का तेल डालें और बाती लगाएं, फिर उसे जलाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। ध्यान रहे ये दीपक बुझे नहीं। सूर्यास्त के बाद जब पितर अपने लोक लौटते हैं और उनके वंश द्वारा जलाए गए दीप से मार्ग रोशन होता है, तो वो खुश होते हैं। वो परिवार के सुख समृद्धि और उन्नति के लिए आशीर्वाद भी जरूर देते हैं। इस दिन अन्न का दान करना भी शुभ फलदायी है। ऐसे में पूजा पाठ संपन्न करने के बाद अगले दिन पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात दान जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।